अभी आप एक्सेल की एंट्री पे अगर आप देख रहे हैं, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और जैसे इंटरप्रेस कर रहा हूँ वो मेरा गायब हो जा रहा है। लेकिन आप किसी भी जिस सेल पर मैंने एंट्री किया है यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए फार्मूला बार में यहाँ पे और सेल में भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्या टाइप हुआ है। ऐसे ही हम शीट वन पे आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी टाइप है यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो भी सेल नंबर है यहाँ पे दिखा रहा है नेम बॉक्स, और यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या एंट्री हुई है। तो आखिर दोस्तों ये ऐसे कैसे होता है, तो चलिए इस चीज़ को हम शुरू से समझते हैं। इसके लिए चलिए हम आ जाते हैं शीट थ्री पे। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसके पूरी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया उसके बाद कहीं पर भी हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट सेल का, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद कस्टम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कस्टम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल का ऑप्शन दे रहा है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे हम यहाँ से हम तीन बार कॉलन प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे ओके। और जैसे ही हमारा ओके होगा हमारा काम हो गया खत्म। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अभी हम टाइप कर रहे हैं यहाँ से, यह टाइप हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम क्या टाइप किए हुए उसको देखना चाहते हैं, तो फिर से हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑल करना होगा, राइट क्लिक इस पर करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ कस्टम पे आने के बाद इस पॉइंट को हटा देंगे और इसको जैसे ही ओके कर देंगे। ओके कर देंगे अब आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी एंट्री हुई है वो क्या कर रहा है, दिख रहा है।